स्टैंडर्ड फोर्थ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने फ्लावर बताया था और फ्लावर में कलर करना बाकी था। अभी फ्लावर में कलर करने के लिए पहले ये लीव्स को बराबर मैंने थोड़ा हल्का ड्रॉ कर दिया है और कंप्लीट भी कर दिया है बराबर। अभी ए वाला ड्राइंग इसके अंदर हल्के हाथ से ग्रीन कलर, लाइट डार्क और डार्क करके ग्रीन कलर करना है। फिर मैं फ्लावर के अंदर जाऊंगी, तो पहले मैं ये वाला सिखा देती हूँ आप लोग को। ये जो कलर करने से पहले ये वाली लाइनिंग रफ करनी पड़ेगी बच्चों, ये तो तुम्हारा ड्राइंग काला काला दिखेगा। ये ड्रॉ करने के टाइम पे हल्के हाथ से रफ करो, ज़्यादा डार्क नहीं पर हल्के हाथ से बराबर। फिर अंदर की लाइन को ड्रॉ करने के लिए देखो, फिर इसके ऊपर वही लाइन के ऊपर लाइनिंग ड्रॉ कर दो कलर से। हम पेंसिल वाला मिटाना पड़ेगा आप लोग को, नहीं तो फिर वो दिखता रहेगा, पेंसिल वाला कलर दिखता रहेगा देखो ऐसा। और फिर लाइट ग्रीन पकड़ के हल्के हाथ से ऐसे एकदम हल्के हाथ से नॉर्मल जैसे देखो, ये तुम्हारा लीव्स कंप्लीट हो गया एकदम हल्के हाथ से। हाँ बच्चों, बहुत डार्क करना नहीं है, हम लोग को हल्के हाथ से ऐसा लाइनिंग करना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया बराबर। जहाँ पे डार्क होगा वहाँ पे डार्क, यहाँ पे लाइट ऐसा। वैसे ही नेक्स्ट लीव्स भी तुम लोग को बनाना है बना। चलो अभी मैं बना रहे ये कंप्लीट कर रहा हूँ फ्लावर। फ्लावर का मैंने इतना कंप्लीट कर दिया था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताया था। देखो कलर को ऐसे पकड़ना है और ऐसे जाने देना है। ये चेरी कलर मैंने लिया है बराबर, तीन दो या तीन रेड आते हैं वो तीनों रेड लेना है, या दो आएंगे तुम्हारे में तो दो लेना है, एक टमेटो रेड और एक चेरी रेड बराबर। ए रेड को मैंने साइड पे रख दिया, अभी मैंने लिया है टमेटो रेड। देखो कलर को ऐसे ही पकड़ के हल्के हाथ से घुमाते जाओ, पहले बॉर्डर लाइन कर दो अच्छी तरह से ब्लैक कलर का। स्केच पेन से करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी तो तुम लोग स्कूल आने वाले नहीं हो तो ज़्यादा पानी में स्केच पेन स्प्रेड होता नहीं बराबर। स्केच पेन से करोगे तो भी चलेगा। देखो ये वाला ए मैंने आधा कंप्लीट कर दिया, ये वाला बराबर कलर करते जाओ अच्छी तरह से। बाहर की साइड का बैकग्राउंड छुपना चाहिए नहीं, बॉर्डर के ऊपर पहले का देने का, बाद में अंदर करना है। देखो पहले मैंने लिया था चेरी, ये चेरी रेड से थोड़ा हल्का लाइट डार्क हो जाएगा अपना बराबर। बच्चों देखो ये फ्लावर हमारा रेडी हो गया, यहाँ पे मैंने बॉर्डर लाइन नहीं किया। बराबर अभी रेड कलर से पूरे में भर दूँ, वाइट वाइट दिखना चाहिए नहीं, हल्के हाथ से बराबर करो। ये सूट फ्लावर है, सूट फ्लावर में थोड़ा येलोनेस भी होता है बराबर। एक पूरे में भर दिया मैंने, ये भी यहाँ पे भी कलर को पकड़ के खींचो, जितनी बार दो बार तीन बार उसके ऊपर रिपीट होगा तो कलर अपने आप दूसरे कलर का लाइट डार्क दिखाना स्टार्ट कर देगा बच्चों। देखो ये रहा हमारा ये सूट फ्लावर का अंदर का कलर कंप्लीट हो गया, बैकग्राउंड भी कंप्लीट करना है बच्चों। हाँ थोड़ा हल्के हाथ से करते जाओ और बैकग्राउंड में बाहर की बॉर्डर लाइन कंप्लीट करो। अभी यहाँ पे लेना है हम लोग को थोड़ा येल्लो, येलोनेस होती है
कोई भी रिंग कहीं पे भी जाओ, तुम्हारे मुंह के ऊपर पाउडर लगाओगे तो जैसे शाइनिंग आती है वैसे ही शाइनिंग येलो और ऑरेंज के अंदर भी आती है। देखो बराबर, अभी जहाँ जहाँ पे डार्क हुआ है वहाँ पे सीधा कलर करो, थोड़ा सेम हो जाएगा वैसा। देखो यहाँ पे भी मैंने किया है, कहीं कहीं पे डार्क हुआ है, कहीं कहीं पे लाइट, उसी भी लाइनिंग से खींचते जाओ, तुम्हारा कलर अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बराबर है, देखो यहाँ पे ब्लैक कलर से लाइनिंग खींची है मैंने, और यहाँ पे करना है हम लोग को रेड कलर से राउंड छोटे छोटे पॉइंट रेड और ब्लैक से, ब्लैक और रेड। बराबर, ये तुम्हारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। अभी बनाना है लीव्स। लीव्स को बनाने के लिए हल्के हाथ से लाइनिंग करनी है, डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन, और कंप्लीट करना है। बराबर, अभी ये वाला यहाँ का लीव्स मैं बता रही हूँ। देखो पहले डार्क कलर से ऐसा कर दिया लाइनिंग, बच्चों मैं तो कलर से भी कर सकती हूँ, पर तुम लोग कलर से डायरेक्ट मत करना, तुम लोग को तो बॉर्डर लाइन अभी लाइट करनी है हम लोग को लाइट कलर से। ये हो गया तुम्हारा कलर, अच्छी तरह से डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन करते जाओ अच्छी तरह से, और ये बन गया लीव्स। बराबर, अभी यहाँ पे बनाना है हम लोग को उसका थोड़ा छोटा पार्ट, वो पिंक कलर लेना है, पिंक कलर से करना है यहाँ पे, और चेरी रेड का बॉर्डर लाइन करना है। ये उसकी कलियाँ होती है वो पिंक कलर की होती है, और चेरी रेड का बॉर्डर लाइन करना है। देखो बच्चा देख लिया, फिर यहाँ का जो है और ब्लैक कलर से उसके ऊपर डॉट करना है, जैसे यहाँ पे किया। ये तुम्हारा लिप्स कंप्लीट हो गया बच्चों, देखो ये वाला कंप्लीट करना है। और होमवर्क में ए वाला बर्ड ए टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करना है कलर के साथ। ए वाला बर्ड पेज नंबर 3 कंप्लीट करना है होमवर्क में कलर के साथ। बराबर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये एक्टिविटी कराऊंगी पेज नंबर 19 वाली, गार्डन वाली। बराबर, उसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, क्रेयॉन कलर करना है, और क्रेयॉन कलर को बराबर स्थापन करना है, और बाद में इसके ऊपर ए वाला ड्राइंग कंप्लीट करना है। बराबर, ये है ही ऑलरेडी, ये जो है हॉल के अंदर से कलर करना है हम लोग को, वो नेक्स्ट एक्टिविटी की मैं बताऊंगी, वो कंप्लीट करना है बच्चों। बराबर, स्टे होम स्टे सेफ।